फ्रेंड्स, आज मेरे हस्बैंड जो है वो बना रहे हैं मटर पुलाव, और आज हम फर्स्ट टाइम उनके हाथ से मटर पुलाव खाने वाले हैं। देखते हैं टेस्ट में कैसा होता है। मटर पुलाव बनाने के लिए मैं खुद को ही ऑल द बेस्ट कह रहा हूँ। मुझे पता नहीं, तो मुझे आता नहीं है, तो ऑल द बेस्ट टू मी। कोई नहीं, अच्छी बनेगी। वैसे भी आप क्या है ना कि पहली जब काफी टाइम बाद बनाते हैं ना तो अच्छी लगती है, और वैसे भी किसी जब सामने सामने वाला बंदा बनाता है ना तो और अच्छी लगती है। मटर पुलाव बनाने के लिए इन्होंने लिए है प्याज, लहसुन, मिर्च और टमाटर, मटर और ये है चावल। अब इन्होंने जो है कुकर में रख दिया है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च। अब रख दिया है इन्होंने टमाटर, मसाले रख दिए हैं, नमक रखा है, हल्दी, ताकि जो है टमाटर अच्छे से गल जाए। देखते हैं कैसा बनेगा खाने में। बहुत खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। और इन्होंने आप रख दिए हैं मटर, कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है, मटर थोड़े से ही तो थे, वो चलेगा। हाँ, मटर पुलाव बनाते हैं तो मटर ही होने चाहिए ना। देखते हैं, पता नहीं यार मटर पुलाव बनेगा क्या बनेगा। और आप रख दिए हैं चावल, एक कटोरी चावल। दिखने में तो काफी अच्छी लग रही है, अब खाने में पता चलेगा। ऐड कर दिया है पानी, अब कुकर में ढक्कन लगा दिया है बस। और इसको जो है फुल फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकने देना है, फिर कम एक फिर इसको एक सीटी आने के बाद थोड़ा कम कर देंगे। मटर पुलाव बन के रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ। खाना स्टार्ट करते हैं। बाय फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।